एक बार एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान किया, उन्हें जीवन जीना सिखाया। एक समय ऐसा आया कि वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग विद्या से कई तरह की दिव्य विद्याएं भी अर्जित की हुई थी, जिनमें से एक दिव्य विद्या थी भविष्य देख पाना। उनके आश्रम में अभी भी कुछ शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य उनका सबसे प्रिय था, क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी कि वो आगे चलकर उनके जाने के बाद इस बड़े आश्रम का कार्यभार संभाल सके। उस शिष्य का नाम था अष्टम। एक बार वो बूढ़े बौद्ध भिक्षु गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। यह देख भिक्षु जी अपने ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए। किस वजह से होगी ये तो पता लगाना संभव नहीं था, पर वह अष्टम को बचाकर प्रकृति का नियम भी नहीं तोड़ना चाहते थे। इस वजह से वे बहुत चिंतित रहने लगे। खूब विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा कि अष्टम के जीवन में अब जितने भी दिन शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिता ले। आखिरकार देर रात उन्होंने अष्टम को अपने पास बुलाया और कहा कि अष्टम, तुम 9 दिनों के लिए अपने घर हो आओ, ध्यान रहे, ठीक 10वें दिन आश्रम वापस आ जाना। यह सुनकर अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में ये सवाल भी आया कि आखिर गुरुजी मुझे अचानक घर जाने को क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसने गुरुजी से सवाल करना उचित नहीं समझा, इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरुजी के पैर छूकर विदा हो लिया और घर की तरफ निकल गया। इधर गुरुजी को एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के लिए कोई काबिल शिष्य के ना होने की चिंता भी थी। कुछ दूर चलने के बाद अष्टम को बहुत प्यास लगी। वहीं से थोड़ी दूर नदी बह रही, जिसका ठंडा पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र एक बड़े से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वो मिट्टी का ढेर चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियाँ थीं, उसमें से वो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थीं। कुछ चींटियाँ एक दूसरे से टकरा भी रही थीं। यह दृश्य देख अष्टम को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया, तो अष्टम को आभास हुआ कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इसकी तरंगें जल्द ही इन चींटियों का घर तबाह कर देंगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अष्टम ने अपनी तेज बुद्धि का उपयोग कर खुदाई करके वहाँ पर एक नाली बना दी और मिट्टी के चारों तरफ पत्थरों की एक मजबूत सुरक्षा लगा दी, जिससे नदी का पानी उन चींटियों तक नहीं पहुँच सकता था। अब अष्टम जब कुछ आगे बढ़ा, तो तेज गर्मी की वजह से जलती हुई जमीन के ऊपर एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। यह देख अष्टम ने अपना खड़ाऊ, जो कि लकड़ी की चप्पल जैसी ही होती है, वक्त निकालकर तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति के पाँव में डाल दी। बूढ़े आदमी ने उसे खूब दुआएं दी। कुछ देर और चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंच गया। 9 दिन अष्टम ने अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी बिताई। अष्टम ने खूब आनंद उठाई। कब 9 दिन बीत गए पता ही ना चला। ठीक 10वें दिन सुबह 4 बजे अष्टम की आँख खुली, तो अचानक अष्टम को याद आया कि गुरु जी ने बोला था 10वें दिन आश्रम वापस पहुंचना है, मुझे जाना होगा। यह बोलकर अष्टम ने परिवार वालों से विदा लिया और आश्रम की ओर चल दिया। इधर गुरु बौद्ध भिक्षु आज के दिन बहुत उदास थे। वो सोच रहे थे कि अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने को थी कि तभी बूढ़े भिक्षु को दूर से एक नौजवान भिक्षु आता दिखाई दिया। जब बूढ़े भिक्षु ने गौर से देखा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सत्य है या मेरा भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा, बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन बूढ़े भिक्षु का मन अब भी सवालों के घेरे में था और ये जानने की तीव्र जिज्ञासा उनके चेहरे पर झलक रही थी कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। तभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने अष्टम से बस इतना ही पूछा कि अष्टम, तुमने यहाँ से जाने के बाद जो भी किया सब बताओ मुझे, तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ।
अष्टम ने गुरु जी को सब बताया कि कैसे पहले उसने लाखों चींटियों की जान बचाई और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की और अपने गांव में क्या क्या किया। यह सब सुन बूढ़ा भिक्षु समझ गया कि अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली और उसका जीवन काल कई वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। दोस्तों, कैसे निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना ने अष्टम का जीवन काल बढ़ा दिया। यहाँ पर कहानी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अच्छे और पुण्य कर्म करके अपनी मृत्यु को टाल दोगे। हाँ, ये सत्य जरूर है कि दिल से निकली दुआएं और पुण्य कर्मों से जीवन के बड़े बड़े दुख का निवारण हो जाता है। और ऐसा कई बार देखा भी गया है, बहुत से रोड एक्सीडेंट या किसी भी ऐसी घटना के दौरान मरते मरते बचे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके पुण्य कर्म ही रहे होने जो ईश्वर ने उन्हें अपने जीवन व गलतियों को सुधारने का एक और मौका दिया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की एक बहुत ही अच्छी अनमोल सीख मिलती है। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की मदद, परोपकार की भावना, इंसानियत का फर्ज, कैसे मनुष्य के दुख और पापों को काट कर उसे एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करता है। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।